गुरु की नगरी अमृतसर में आपका स्वागत है। और आज मैं आया हूँ अमृतसर का फूड ब्लॉग करने के लिए। और सबसे पहले शाम के टाइम से मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज के खाने की। और मैं आ गया हूँ इस वक्त अमृतसर की लॉरेंस रोड पे, और लोकेशन है लॉरेंस रोड के सामने। आप मेरे पीछे देख रहे हैं चुनमुन इस तरफ, और लॉरेंस रोड पे चुनमुन के सामने आप आ सकते हैं। ज्वेल प्लाजा भी लोकेशन है, बीकानेर वाला के नाम से आ सकते हैं। और यहाँ पर है सामने न्यू चाट कॉर्नर, तो यहाँ से आज हम यहाँ का स्ट्रीट फूड टेस्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ आ चुकी है हमारी दही पूड़ी, ये सूजी वाली 80 रुपए की प्लेट है, और खा के इसका टेस्ट आपको बताते हैं। तो यहाँ से लेते हैं हम एक बाइट, और ये तो टेस्ट इसका दही पूड़ी का बहुत सही है। हमने हल्का सा कम तीखा वाला लिया है। और आप अगर यहाँ से दही पूड़ी ले रहे हैं शाम के इवनिंग स्नैक्स में, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। जैसा आपको चाहिए कम तीखा या ज़्यादा तीखा जो चाहिए वो आप करा सकते हैं शाम। तो टेस्ट इसका डिश का काफ़ी बढ़िया है। कहते हैं ना कि खाने में एक स्वाद आना चाहिए, वो भरपूर आ रहा है। काफ़ी बढ़िया टेस्ट है, और शाम का पहला फूड ब्लॉग हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं आया हूँ नोवेल्टी, तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं अंदर से। नोवेल्टी रेस्टोरेंट स्वीट्स एंड नमकीन के लिए फेमस है, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये रहा नोवेल्टी की बिल्डिंग, जो भैया साउथ इंडियन चाइनीज़ प्योर वेजिटेरियन है, और कॉन्टीनेंटल भी आपको यहाँ मिलेगा। चाट, टिक्की, पाव भाजी, गोलगप्पे, कुछ भी खाना चाहे सब कुछ आपके आपको मिलेगा नोवेल्टी स्वीट्स पे सिंस 1950। करिए यहाँ पे एक फुल प्लेट वेज हक्का नूडल्स। नूडल्स में सारी सीजनल वेज वगैरह आप सब देख सकते हो, सब्जियाँ पड़ी हैं, शिमला मिर्च हो गई आपकी, मशरूम वगैरह, ब्रोकली वगैरह, बेल पेपर्स वगैरह, सब कुछ बढ़िया सब पड़े हैं। और नूडल्स का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। हक्का नूडल्स ऑर्डर किए हमने, मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नोवेल्टी स्वीट्स में आप मिठाइयाँ भी देख सकते हैं, तरह तरह की आपको मिलेंगी, बट प्राइस आपको काफ़ी थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। बट टेस्ट वगैरह आपको मिठाइयों का बहुत जेन्युइन टेस्ट मिलने वाला है। और यहाँ पे आम पापड़ वगैरह चाहते हैं नोवेल्टी स्वीट्स में, तो आपको अमृतसर का फेमस आम पापड़ वगैरह भी आपको मिल जाएगा। एक सेक्शन नीचे है जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं, नीचे तो हमने वहाँ पे चाउमीन वगैरह खाई। और एक सेक्शन है यहाँ पे आप बैठ के स्वीट्स स्नैक्स वगैरह आते हैं टेस्ट कर सकते हो। तो नोवेल्टी में मैंने चाउमीन ली थी, काफ़ी अच्छा था, हक्का नूडल लिया था, टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा था। और चलते हैं यहाँ से दूसरी खाने की लोकेशन पर। तो अभी मैं आया हूँ बंसल बेकर्स एक और फूड ब्लॉग के लिए, चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं। और मैंने लिया यहाँ पर एक ये फ्रेश फ्रूट पुडिंग, फ्रूट्स आप जैसे आ रहे हैं इसमें, आपका स्ट्रॉबेरी है, आपका ये पाइनएप्पल भी है, और भी काफ़ी सारे बढ़िया फ्रूट है, और पूरी वनीला आइसक्रीम की ड्रेसिंग के साथ पूरी बढ़िया से ये अपनी फ्रेश फ्रूट पुडिंग। और ये इसका प्राइस है 100 रुपये का, टेस्ट करके आपको बताता हूँ। बाकी टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका, तो फ्रेश फ्रूट पुडिंग मैंने ली, बाकी टेस्ट काफ़ी अच्छा था। पूरा एक गिलास मिठा दे पूरे इसमें बढ़िया था, पूरा सारे आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे, वनीला फजिंग आपको मिल जाएगी, साथ में स्ट्रॉबेरी क्रेस वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। टेस्ट बाकी नंबर वन है, 100 रुपये दिए, बट जो हमने पेमेंट की उसके मुकाबले टेस्ट और प्रोडक्ट हमें आइटम हमें काफ़ी अच्छा मिला खाने को। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर हम आए थे। यहाँ पे आप केक पेस्ट्रीज वगैरह अगर कुछ लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। हमने लिया था फ्रेश फ्रूट पुडिंग
चौको मौसी आपको मिल जाएगा, एटन का साटा वगैरह सारी चीज़ें जो आप खाना चाहते हैं, बेकरी आइटम केक वगैरह पेस्ट्री सब कुछ आप मिलेंगे, डोनट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ देख लो, यहाँ पे आपका हॉट डॉग वगैरह, पिज्ज़ा, सैंडविच वगैरह है, यहाँ पर काफ़ी तरह तरह के आपको सैंडविच वगैरह पिज़्ज़ा वगैरह मिलेंगे। और ये भी आपका पूरा कुकी सेक्शन, कुकीज़ भी काफ़ी सारे तरह तरह के यहाँ पर, प्राइस वगैरह देख लीजिए, मिड प्राइस में आपको काफ़ी अच्छा टेस्ट मिलेगा। और ये हो गया आपका ढोकला सेक्शन वगैरह, चल रहा है ढोकला भी आपको मिलेंगे खाने के लिए। और गिफ्ट हैम्पर वगैरह कुछ लेना चाहते हैं फैमिली में किसी को देने के लिए, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अमृतसर फूड ब्लॉग की सीरीज़ में आज मैं आ गया हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए प्रेमनाथ कुलचा वाला पे। और ये आपका पड़ता है रामानंद बाग में। आज हम यहाँ टेस्ट करेंगे अमृतसर का फेमस कुलचा। एक बार मैं आपको रेस्टोरेंट वगैरह दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये है सामने रेस्टोरेंट प्रेमनाथ कुलचा का। और इनके यहाँ लोकेशन यहाँ पर आप ये नंबर दिया है, इसका आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर बैठ के खाने का यहाँ पर, और जो कुलचे हैं वो सामने की तरफ उधर बनते हैं। टाइम है सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक। और लाल पनीर देखिए कुलचे का, और इसके ऊपर भी ऊपर से मक्खन लगाया जाएगा पूरा। हाँ जी सर, जैसे देसी घी बोला कस्टमर देसी घी लगा जाएगा, और मक्खन बोला होगा तो मक्खन लगाया। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था मिक्स, एक मिक्स कुलचा जो अपना बन के आ चुका है, साथ में अमूल का मक्खन। अगर आप देसी घी चाहते हैं आपको देसी घी वगैरह मिल जाएगा, अमूल मक्खन चाहते हैं आपको पहले बोलना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पर छोले और ये प्याज वाली चटनी। तो अभी टेस्ट करेंगे कुलचा छोले के साथ। काफ़ी बढ़िया है और क्रिस्पी भी है। और मैंने एक और ऑर्डर किया, और मैंने एक और ऑर्डर कर लिया अपना मिक्स कुलचा, और साथ में मक्खन मैंने ले लिया है। मक्खन को अच्छे से चपोड़ लेंगे और टेस्ट सही में बाकी कुलचे का लाजवाब है। जैसा सुनने में आया था कि बेस्ट कुलचा अगर अमृतसर में आपको खाना है तो प्रेमनाथ वाले पे मिलेगा, तो टेस्ट और क्वालिटी एक नंबर है कुलचे की। तो आप यहाँ पे काफ़ी वैरायटी के कुलचे हैं, जैसे पनीर कुलचा, आलू कुलचा, आलू प्याज कुलचा, गोभी कुलचा, जैसा आपको अच्छा जो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है वो आप यहाँ खा सकते हो। बेटर है, तो दो बार लिया मैंने दोनों कुलचे, दोनों बार टेस्ट बाकी लाजवाब है। तो भाई साहब कुलचा वाकई में बहुत टेस्टी था। चल रहे हैं भैया की दुकान पे, थैंक यू बोलने के लिए, इतना बढ़िया कुलचा इन्होंने हमें खिलाया। तो दुकान पर आ चुके हैं भैया, बाकी बहुत बढ़िया कुलचा था। थैंक यू सो मच, बाकियों को भी रेकमेंड जरूर करना। हाँ जी, दोबारा फिर आएंगे आपकी दुकान पे। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। पक्के हैं? पक्के यार, कच्चा कोई नहीं होगा ना, कच्चा बहुत ही कम। अटारी बॉर्डर जाते हुए दोपहर का खाना खाने के लिए हम रुके हैं 6862 फूड पॉइंट पे, आपको दिखाते हैं। ये देखो सामने 6862 फूड पॉइंट, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे खाट वाला सिस्टम भी है, जैसा पंजाब के विलेज वगैरह होता है, खाट बैठ के लोग खाना खाते हैं, तो यहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हो। और अंदर तो बाकी एसी हॉल है, वहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं। पंजाबी, गुजराती, साउथ इंडियन, लस्सी जो चाहिए सब मिलेगा। आज के फूड ब्लॉग में मैं आ गया हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन ज्ञान की लस्सी। और यहाँ है सामने, आप देख सकते हैं ज्ञान की लस्सी भी है और ज्ञानी पंजाबी लस्सी भी है। तो यहाँ पे लगी भीड़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लस्सी का टेस्ट कैसा होगा। मैं भी अब लस्सी ऑर्डर करने जा रहा हूँ ज्ञानी वालों की। और यहाँ अपनी लस्सी बन के आ चुकी है, ये मैंने सादी वाली ली है, और आप चाहो तो यहाँ पे पेड़े वाली लस्सी भी ऑर्डर कर सकते हो।
और उस्ताद जी भी पेड़ वाली लस्सी रेडी कर रहे हैं और हम टेस्ट करेंगे ये सादी लस्सी। लस्सी का गिलास अपना आधा हो चुका है और वाकई लस्सी का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। लस्सी वाकई लाजवाब है, जैसा सुना था बिल्कुल वैसा टेस्ट है, बिल्कुल एक नंबर मज़ेदार है। कैसी है पेड़े वाली लस्सी? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मलाई ओके है, पेड़ा भी है, बहुत अच्छा है। लस्सी वाकई में काफ़ी अच्छी थी। मैंने सादी वाली ली थी और पापा ने पेड़े वाली ली थी और लस्सी ली हमने ज्ञानी पंजाबी लस्सी से, अमृतसर की सबसे पुरानी और सबसे फेमस लस्सी की दुकान। अमृतसर की फेमस लस्सी के साथ आज का हमारा फूड ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नई वीडियो में।